बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि बेल्जियम यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है। इसमें 10 अंडरवाटर ड्रोन भी शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि इन ड्रोन के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्ध पोतों पर सटीक निशाना लगाएगी। यूक्रेन का ऑपरेशन काला सागर। अब रूस की काला सागर में खैर नहीं। जद में आएंगे रूस के जंगी जहाज। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को संजीवनी मिलने जा रही है। यूक्रेन काफी समय से काला सागर में रूस को खदेड़ने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब उसे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जिसके बाद काला सागर में रूस की खैर नहीं रहेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को पहली बार अंडर वाटर ड्रोन मिलेंगे। ये डील यूक्रेन की नेटो देश बेल्जियम से हुई है, जिसमें हथियारों की बड़ी खेप के साथ ही 10 अंडरवाटर ड्रोन भी शामिल हैं। बेल्जियम से अंडरवाटर ड्रोन मिलने पर यूक्रेन के लिए काला सागर में कुंडली मारकर बैठे रूस के जंगी जहाजों को खदेड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम के ये घातक अंडरवाटर ड्रोन समंदर की गहराई में तैरते हुए दुश्मन के जहाजों की जानकारी जुटाने में माहिर माने जाते हैं। ड्रोन के छोटे साइज की वजह से दुश्मन के रडार को इनकी भनक भी नहीं लग पाती। माना जा रहा है कि इनके जरिए जुटाई गई जानकारी के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी, क्योंकि पिछले दिनों उसने खेरसोन के दक्षिण में उन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था जहाँ से काला सागर में मौजूद रूस के जंगी जहाज हिमार्स से दागे जाने वाले खतरनाक रॉकेटों की जद में आ चुके हैं। यूक्रेन काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के दबदबे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां से यूक्रेन का कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है काला सागर में मौजूद पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट है। ये जंगी जहाजों का वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। 24 फरवरी को जंग की शुरुआत में रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इस बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन की बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस बेड़े के पास अब बेहद घातक माने जाने वाली कैलिब्र मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसी वजह से यूक्रेन की सेना रूस के इन जंगी जहाजों को वहां से खदेड़ने की तैयारी में जुट गई, जिसमें बेल्जियम से मिले अंडरवाटर ड्रोन उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन के एक कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया है। और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वीडियो में कुछ रूस के सैनिक यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड में ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर कई गोले भी दाग दिए हैं।